तो कल हमने बॉक्स मॉडल पढ़ा था और एक बार मैं फास्ट फॉरवर्ड दोबारा से इसको वी विल रिवाइज दिस मॉडल. दिस इज द बॉक्स मॉडल. सीएसएस में जब भी आप कोई कंटेंट लिखते हो तो उसकी हम विड्थ देते हैं, हाइट देते हैं ना, इमेज होता है या कंटेंट होता है. तो जो विड्थ और हाइट होती है वो इस कंटेंट एरिया की होती है. जब आप लिखते हो विड्थ इज इक्वल टू 300 तो वो कंटेंट की विड्थ है, पूरे एलिमेंट की विड्थ नहीं होती है. मान लो आपने एक डिव लगाया और डिव के अंदर आपने लिखा है विड्थ इज इक्वल टू 300, तो वो कंटेंट की जो सराउंडिंग वाली विड्थ होती है वो होती है जहां पे आप कंटेंट लिखते हो. लेकिन इसके साथ तीन चीजें और चलती हैं, एक बॉर्डर, पैडिंग एंड मार्जिन. सो ये आपको कल मैंने बताया था दैट पैडिंग इज द एरिया अराउंड द कंटेंट. ये वाला जो एरिया होता है बॉर्डर से लेके कंटेंट के बीच में, फिर बॉर्डर आता है, बॉर्डर का भी साइज हो सकता है, और फिर बॉर्डर से आपकी जो बाहर वाली विंडो होती है वो मार्जिन सेट करता है. और ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपने लिखा है विड्थ इज इक्वल टू 300 तो डिव की जो विड्थ होगी वो ये कंटेंट की विड्थ हो गई, ये 15 पिक्सल एक साइड पे, 50 पिक्सल एक साइड पे और 20 पिक्सल एक साइड पे. तो इनको ऐड करके आपकी जो विड्थ बनती है, तो अब ये हो गया. अगर इस साइड की देखें तो 300 ये वाली हो गई और 15, 50, 20. अब 15, 50, 20 ये डबल हो गई, तो इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है. तो इसका मतलब है ये 15 का 30 हो जाएगा, 50 का 100 हो जाएगा और 20 का 40 हो जाएगा. तो 330, 430 और 470 करीब ये इसकी जो टोटल विड्थ बन जाती है. दिस इज नोन एज द बॉक्स मॉडल. और जब भी आप CSS इवन टेम्पलेट भी देखोगे, हम काम करेंगे CSS आपने स्टाइल लिखे हुए देखे होंगे, तो वहां पे हमेशा जब भी कोई डिव बनता है सो वी ऑलवेज स्पेसिफाई दी मार्जिन क्या है, बॉर्डर क्या है, देन पैडिंग क्या है एंड देन उसकी विड्थ होती है. ये चार एट्रीब्यूट यू स्पेसिफाई इन दी CSS. ठीक है जी. सो मुस्कान एंड हरमन, आपने कल थोड़ा लेक्चर लगाया नहीं था, हरमन आपने लेट ज्वाइन किया था, तो क्लियर हो गया मेरे को लग रहा है कि क्या होता है बॉक्स मॉडल. हाँ जी सर. हाँ जी मुस्कान. यस सर. चलिए ठीक है. सो हम अब आउटलाइन की बात करते हैं. ये जो बॉर्डर है इसके बाहर जो एरिया होता है इसकी आप आउटलाइन जो है ना ड्रा कर सकते हो, जो मार्जिन वाला एरिया आपका होता है. तो ये आपकी बॉर्डर वाला एरिया आउटलाइन, तो इसका भी स्टाइल हो सकता है. आप इसको कोई कलर दे सकते हो, ठीक है जी, कोई बॉर्डर दे सकते हो. तो ये हमने कल बॉर्डर और स्टाइल पढ़े थे, इसको भी स्टाइल दिया जा सकता है स्टाइल के साथ, आउटलाइन स्टाइल. अब इसका कलर, वेट, स्टाइल, ठीक है, और शॉर्ट हैंड के साथ यूज कर सकते हो. सो स्टाइल में डॉटेड डैश ये बॉर्डर आपका स्टाइल हो जाता है, इस तरह से आपने दे देना है, ठीक है जी. देन इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ये अब आपने मेरे को, मैंने आपको बताया था कि पूरी की पूरी असाइनमेंट देनी है. यू हैव टू सबमिट दी वन असाइनमेंट ऑन CSS. एक तो उसमें लिखना है कि कितने इम्प्लीमेंटेशन स्टाइल हैं, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल. एक पेज के ऊपर आप बता देना कि इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है और इनलाइन क्या होता है. और उसके बाद फिर आपने ये जितनी प्रॉपर्टीज हैं ये आई, उसकी वैल्यू क्या होगी, टेबल फॉर्मेट के अंदर आप ये आप बना के दोगे, ठीक है जी. तो एक प्रॉपर्टी लिखोगे उसकी वैल्यू क्या होगी आप ये बताओगे. जैसे आउटलाइन के साथ आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन विड्थ. आउटलाइन विड्थ में आप विड्थ हमेशा हम आपको
सेंटीमीटर पिक्सल इसमें प्रोवाइड करते हैं, आए पहले से बताया हुआ है, तो इस तरह से इसमें हम सॉलिड ये ऊपर प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, थिन मीडियम थिक ये वाले पिक्सल डिफाइन किए हुए हैं पहले से, ये आप स्पेसिफाई कर सकते हो। एंड देन कलर यू कैन स्पेसिफाई दी कलर रेड ब्लू, ये हमने कलर कॉम्बिनेशन की बात की हुई है, हेक्साडेसिमल कोड में या आप नाम लिख के भी इसका कर सकते हो। देन शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड का मतलब होता है कि आप एक ही साथ आपकी प्रॉपर्टीज देना चाहते हो, जैसे विड्थ स्टाइल कलर, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो आउटलाइन डैश, इसका मतलब सिर्फ आपका स्टाइल आ जाएगा, ये रिक्वायर्ड है, ये आपको देना ही पड़ता है। अगर आप इस तरह से लिखते हो, ये सीक्वेंस रहती है विड्थ स्टाइल कलर, सो विड्थ 5 पिक्सल स्टाइल एंड कलर। ये कहीं पे आप सभी जगह काम आते हैं, ये मेन यही चीज होती है, क्योंकि जो चीज आपने ड्रा करनी है उसका जो बॉक्स बनाना है उसके लिए आप इसका यूज करते हो। ऑफसेट ये क्या करती है, स्पेस ऐड करेगी बॉर्डर और उसके अंदर, ये बॉर्डर है और यहां से आप ये स्पेस देना चाहते हो। बॉर्डर और आउटलाइन होती क्या है, बॉर्डर का सराउंडिंग वाला ये होता है, उसमें भी अगर आप स्पेस देना चाहते हो तो ऑफसेट दे सकते हो। ये वाला ये। हमने टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, हमने फॉन्ट की प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ ली थी। Then, ये आपके आइकन्स हैं, ये आप आइकन्स शॉर्ट कोड के साथ आप लगा सकते हो, और ये शॉर्ट कोड जैसे हमारे दिए हुए हैं, इसकी एक आपकी सोर्स जो है ये यहाँ से जावास्क्रिप्ट ये उठाएगा, और ये आपका हार्ट बनाना है, कार बनाना है, फाइल बनाना है, तो इस तरह से ये शॉर्ट कोड आपको मिल जाते हैं। ये आइकन रेफरेंसेस पड़े हुए हैं, आप यहाँ से जाके आइकन इंसर्ट करना चाहते हो तो आप ये इंसर्ट कर सकते हो। देख सकते हो कि क्या है, ये कोड है इनके, ये वाले जैसे हमने एम्परसेंट NBSP किया था, याद है आपको, तो इस तरह से आपके ये कोड भी लग सकते हैं। इस तरह से आ रहे आइकन, अभी लोड कर रहा था तो ये आइकन वाला हम इसमें एंटर कर सकते हैं, बहुत सारे आइकन्स हैं। अब हम आते हैं लिंक प्रॉपर्टीज के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिंक, ये आपका हाइपरलिंक आ गया, ठीक है जी, इसको आप स्टाइल देना चाहते हो, लिंक बटन आ गया इस तरह से, तो इसको हम एक एक करके करेंगे, बिकॉज ये आपका स्टाइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एंकर टैग यूज करते हैं, उसके ऊपर आप कलर जो है ना आप देना चाहते हो, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं। सो ये आपका कलर आ गया, ये आप देख सकते हो हॉट पिंक है, या कोई भी कलर कोड लगा के इसमें कलर दिया जा सकता है।
अब ये जो फोर स्टेट्स होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आपको स्पेसिफाई करनी होती है। ये क्या होती हैं कि मान लो आपने लिंक लगाया तो उसका कलर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर होता है जब आप एक लगाते हो? आपने हाइपरलिंक बनाया हुआ ना, तो कौन से कलर में आता है बताओ? कमल आप बता दो। एंकर टैग हाँ ब्लू ही आता है, वेरी गुड। सो ब्लू कलर में आता है बाय डिफॉल्ट और अंडरलाइन होता है, ठीक है? तो ये देखिए, ये वाला जो कलर है ये ब्लू आता है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर गया माउस, इसको बोलते हैं एच ओवर, होवर, एच ओवर, हाइपर टेक्स्ट ओवर। तो जैसे ही कोई पर्सन इसके ऊपर माउस लेके जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये देखो माउस ये लेगेगा है ना कर्सर, तो होवर पे क्या होगा, होवर पे कलर क्या होगा? ये देखो होवर पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, देख रहे हो आप? दिस प्रॉपर्टी होवर। सो ये आ गया, ए लिंक व्हेन यूज्ड यूजर मूव्स माउस ओवर दी दैट पर्टिकुलर लिंक, तो दैट इज होवर, एच ओवर, हैच मतलब हाइपर टेक्स्ट ओवर। जैसे ही आप माउस लेके जाओगे इसका कुछ एक्शन होगा, तो अभी आप देख रहे हो ऊपर, इन प्रॉपर्टीज का हम आगे जाके यूज करते हैं। ये देखो ये ऊपर ये देखो ये चेंज हो रहा है, ये देखो ये लिंक आ गया। तो जैसे ही ये एच ओवर लगा हुआ है तो ये हमने इसकी मास्टरी करनी है। विजिटेड लिंक, जिस भी लिंक में हम विजिट कर लेते हैं मतलब क्लिक कर लेते हैं, तो अचानक देखा है कि जो बाय डिफॉल्ट होता है वो ब्लू कलर में होता है, लेकिन बाद में वो मैरून सी शेड में या ब्राउनी शेड में आ जाता है, ठीक है जी? और एक्टिव लिंक होता है जो आप एक्टिवली अब आप काम कर रहे हो इसके ऊपर। ये जैसे देखो ये HTML का लिंक है, ये सारे लिंक पड़े हुए हैं, बट CSS क्या है, ग्रीन में आ रहा है, बिकॉज दिस इज एक्टिव, दिस इज एक्टिव। मैंने ये वाला पेज खोला हुआ है, ये लिंक खोला हुआ है, बाकी नहीं, बाकी सारे नॉर्मल शेड में है, दिस इज द एक्टिव लिंक। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? एक्टिव क्या होता है? इसके ऊपर आज आपने जरूर काम करना है। सो देखो, ए लिंक कलर इज इक्वल टू रेड, विजिटेड लिंक इज इक्वल टू ग्रीन, होवर पे हॉट पिंक एंड एक्टिव ब्लू। तो यहां पे अब हम सब देख सकते हो, ए लिंक जो है नॉर्मल जो है वो इसका विजिटेड लिंक, जिस पे विजिट कर रहे हैं वो हॉट पिंक आ रहा है, और यहाँ पे ये हॉट पिंक आ गया। ओवर पे भी इस पे हम क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले क्लिक इस पे क्लिक किया हुआ था तब ये रेड नहीं आ रहा था, अब ये ग्रीन ही आ गया, तो अब ये ग्रीन हो गया, अब स्टिल पे ग्रीन हो गया। और अभी कोई एक्टिव इसमें अंदर हम जब बनाएंगे तो वो ब्लू कलर में आ जाएगा। सो पहले ये दो प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है, फिर होवर आपका आएगा, क्योंकि उनका कलर आपको पहले से स्पेसिफाई कर लेना है। ये आपको होवर मस्ट कम आफ्टर दी लिंक एंड विजिटेड, एंड एक्टिव मस्ट कम आफ्टर दी होवर। तो ये आपने नोट कर लेंगे।
इसके साथ टैक्स डेकोरेशन हम करते हैं। टैक्स डेकोरेशन दो तरह की आती है, एक होती है अंडरलाइन, जैसे ये आ रहा है, लेकिन ये अंडरलाइन नहीं आ रहा है, सो ये नन है। तो ये कैसे आ रहा है? सो यहाँ पे आप टैक्स डेकोरेशन नन करते हो लिंक की, ठीक है जी। और टैक्स डेकोरेशन हम होवर पे अंडरलाइन कर रहे हैं, ये देखो। और देखो ये लिंक है, इसकी टैक्स डेकोरेशन नन है, लेकिन जैसे ही मैं गया होवर आ गया, और नीचे होवर पे देखो क्या लिखा हुआ है, अंडरलाइन। अभी विस्टिड आ गया, अब नन हो गई। अब देखो लिंक हट गया। सो जब भी आप आगे वहां पे लिस्ट बनाएंगे, HTML में जाएंगे, तो इनका आगे काफी यूज होता है। तो ये टेक्स्ट डेकोरेशन आपने जरूर, मैंने उस दिन भी इम्प्लीमेंट करके दिखाई थी लास्ट जब लेक्चर लिया था, जब हम अपने उस पे गए थे, होम पेज पे गए थे, तो वहां पे हमने जो नेविगेशन बार बनाई हुई है वहां पे एंकर टैग जितने भी लगे हुए थे उनकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दी थी स्टाइल के साथ। तो इस तरह से आप ये यूज कर सकते हो। देन बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर जो है हमने ऊपर देखा था कि जैसे ही दिस इज ए लिंक एंड दिस इज बैकग्राउंड, इसकी बैकग्राउंड कलर जो है ना, दोनों पे जब मैं लेके जा रहा हूं, इट इज चेंजिंग। वहां पे आपने एक बटन बनाया हुआ, अभी ये आपका, ये देखो बैकग्राउंड कलर जो है ना, इसकी चेंज हो रही है। टेक्स्ट डेकोरेशन, बैकग्राउंड कलर, बटन के ऊपर हम बात करते हैं। ये देखिए कलर पैडिंग, टेक्स्ट लाइन डेकोरेशन और ये आप देख सकते हैं, ये आ गया है एच रेफरेंस, दिस इज ए लिंक। अब ये कैसे बना है, ये बॉक्स मॉडल बन गया है। अगर आपको बॉक्स मॉडल समझ में आ गया है तो आप देख सकते हैं, ये दिस इज ए लिंक लिखा हुआ है, ये लिंक आ गया। और बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया है, ये इसका बैकग्राउंड कलर आ गया। कलर इसका वाइट है। पैडिंग ये देख सकते हैं, अब ये इधर से पैडिंग आ गई है, 14 पिक्सल 25 पिक्सल। 14 का मतलब है टॉप एंड बॉटम 14 और राइट एंड लेफ्ट 25। अलाइनमेंट सेंटर दे दी है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन दे दिया है, और डिस्प्ले अब ये डिस्प्ले वाला हमने पढ़ना है, अभी डिस्प्ले ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक बना देगा इस तरह से साउंडिंग में। और अब जब भी होवर होगा तो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ये देखिए इधर ऊपर इन्होंने लाइट सा रेड दिया, लेकिन अब होवर पे बैकग्राउंड कलर इज चेंजिंग। बॉक्स मॉडल से बॉक्स बना दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है जी। तो यहाँ पे इन्होंने पैडिंग दे दी है, BORDER बॉर्डर इज इक्वल्स टू 5 पिक्सल।
बॉर्डर लगाया, बॉर्डर का हमने आगे यहाँ पे आप इसको कलर दे के देखना बॉर्डर को। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टीज इसकी लगा सकते हैं। चलो अभी पहले हम समझ रहे हैं, बाकी ये सारी चीजें अब हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर वन बाय वन करके हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ये क्लियर हो गया जी, बता दो कमल, हरमन, लिंक वाला, यस सर, मुस्कान, यस सर, हाँ जी हाँ जी। ये बहुत अभी जो नेविगेशन बार बननी है इसी के हिसाब से बननी है। तो नीचे कुछ एग्जांपल है आपने ये कर लेने हैं और लिस्ट। अब इस लिस्ट का यूज करके आज हम यहां तक पढ़ने वाले हैं लिस्ट। एंकर टैग और लिस्ट इन दोनों का यूज करके हम क्या करेंगे, ये नेविगेशन बार बनाएंगे ऊपर। ये नेविगेशन बार जो आपको नजर आ रही है ये सीएसएस के साथ बनेगी, ऐसी बनेगी। ये देखो ये ब्लॉक बन गया, ये क्या बन गया, ब्लॉक बन गया। इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो सेंटर लाइन लिखा हुआ है, ठीक है जी। अभी हमने बनाया था वैसे ही ये बन गया, पैडिंग दे दी, बॉर्डर दे, बैकग्राउंड दे दिया और ये बन गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एंकर टैग्स की लिस्ट बना सकते हैं और लिस्ट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, जो अभी तक तो हम पढ़ते आ रहे थे देयर आर ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, 1 2 3, तो ये इसके टेक्स्ट के डेकोरेशन होती है 1 2 3। अगर मैं इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन अन कर देता हूं तो ये जो स्टाइल है अभी तक जो हम ये पढ़ रहे थे लिस्ट के स्टाइल पढ़ रहे थे सर्कल, ये आपने सारे हमने वहां पे प्रॉपर्टीज में देखे हुए हैं जब लिस्ट बनाई थी। तो अगर आप सीएसएस का यूज करके स्टाइल लेना चाहते हो तो लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल स्क्वायर, देखा जी इस तरह से ये आपका रोमन ये आ जाएगा और हम इसको नन कर सकते हैं, नन भी आ जाएगा इसमें। लिस्ट स्टाइल टाइप इज इक्वल टू जो आप लेना चाहते हो नन भी कर सकते हैं। तो हमने पढ़े हुए पहले से, यहां पे हम पहुंच जाते हैं। अब हम इमेज भी डाल सकते हैं, ये जो चीज आ रही है अब ये बहुत अच्छी है। अभी तक हमने जब लिस्ट बनाई थी तो सिर्फ हमने क्या किया था, 1 2 3 या सर्कल या इस तरह से बनाई थी, बट यहां पे आप इमेज नहीं लगा पाते थे। अब ये आप यहाँ पे लिस्ट हाइफन स्टाइल इमेज आप दे सकते हो, ठीक है। तो जब लिस्ट बनेगी, अब ये यूएल है, यूएल का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब लिस्ट आइटम ये जो इसके अंदर आएंगी वहां पे उसकी जो इमेज है वो ये वाली लग जाएगी। तो अब आप बहुत ही अच्छी लिस्ट बना सकते हो इमेजेस का यूज करके, ठीक है। अब पोजीशन की बात होती है, लिस्ट हाइफन स्टाइल हाइफन पोजीशन। पोजीशन दो तरह से हम स्पेसिफाई करते हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये जो सर्कल लगा हुआ डिस्क लगी हुई है ये बाहर है और टेक्स्ट इधर है, ठीक है जी। ये होगी आउटसाइड और दूसरा है इनसाइड। इसका मतलब है यहां पे इस तरह से ये एक बॉक्स है, इसके अंदर इस तरह से आपका स्टाइल लगेगा। सो आप इसको पोजीशन क्या देना चाहते हो, बुलेट्स की जो इनसाइड या आउटसाइड, ये भी आपका आ जाएगा। इस तरह से ये ब्लॉक बनेंगे लिस्ट के, आउटसाइड इनसाइड। सो अब हम देखते हैं कि अगर आप नन प्रॉपर्टीज का कैसे यूज करते हैं, जो लिस्ट स्टाइल थी वो नन बना देनी है, हमने कुछ नहीं देना, ठीक है। तो ये देखिए अब आपका आ गया है
लिस्ट स्टाइल नन, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, इसका मतलब ये कॉफी टी, इसमें देखो आपका लेफ्ट से मार्जिन भी आ रहा था, पैडिंग भी आती है, और हमने क्या कर दिया, सब कुछ रिमूव कर दिया, तो ये लिस्ट सिंपल बन गई। लिस्ट हमने सिंपल बना लिया, तो नन का कैसे यूज करना है बहुत आपका यूज होने वाला है। अब शॉर्ट हैंड का यूज कर सकते हो, स्क्वायर इनसाइड एंड आगे स्टाइल दे सकते हो। सब आप देख सकते हो यहां पे, और ये नीचे वाला स्टाइल टाइप पोजीशन शॉर्ट हैंड में आप यूज कर सकते हो। देन यू कैन प्रोवाइड दी एल आई के ऊपर भी आप लगा सकते हो कि बैकग्राउंड कैसी होगी, पैडिंग कैसी होगी। तो ये वाला प्रोग्राम आप देख रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख रहे हो, ये आउटसाइड चला गया है और ये भी आउटसाइड है। एक प्रॉपर्टी और इसका यूज करते थे, वो ये इनसाइड आउटसाइड वाला है, ये आप देख सकते हो। तो ये हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा, अब ये जो आज बस इतना ही पढ़ेंगे, आपने सारा प्रैक्टिस हमने आपने कर लेना है ताकि आपके पास टाइम हो। अब ये जो ऊपर नेविगेशन बार आ रही है HTML, CSS, SQL, ये भी क्या है, एक लिस्ट है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप अलग अलग तरह से हम ये मंडे को लिस्ट बनाना सीखेंगे कि ये नेविगेशन बार किस तरह से बन सकती है, और आपका जो होम पेज है उसमें इस तरह की एक बार बना के पूरी लिस्ट बनाएंगे और इसको काफी अच्छी तरह से डेकोरेट करेंगे, हम हेडर सेक्शन को डेकोरेट करेंगे और फिर हम नेविगेशन बार को डेकोरेट करेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर। सारे आप लिस्ट की प्रैक्टिस कीजिए, और जो वाले मैंने पहले भी आपको आइकन और आज हमने कवर किए हैं, दो तीन प्रॉपर्टीज हमने कर ली हैं, लिंक, हाँ लिंक लिस्ट, ये लिंक्स भी और लिस्ट भी, ये डिस्प्ले वाला और इम्पोर्टेंट होता है, ये हम आगे ओवरफ्लो फ्लोट, ये बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, ये बहुत आगे काम की आने वाली हैं, तो ये अगला लेक्चर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सहयोग की क्लियर हो गया, अभी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। आज की अटेंडेंस जो है वो हो गई है।